हेलो फ्रेंड्स, PIFRGS बायोलॉजी के पेपर से लिया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एट विच माइटोटिक स्टेज कैन स्टैंडर्ड कैरियोटाइपिंग बी परफॉर्म्ड यूजिंग फोटोमाइक्रोस्कोपी ऑफ सेल्स। क्वेश्चन हमें कैरियोटाइपिंग के बारे में पूछ रहा है कि कैरियोटाइपिंग में सेल की कौन सी स्टेज, माइटोसिस की कौन सी स्टेज अच्छी रहती है ऑब्जर्वेशन के लिए। ऑप्शंस में दिया है, देखो, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या फिर एनाफेज। आपको कैरियोटाइपिंग क्या होता है वो पता है? देखो, कैरियोटाइपिंग वो प्रोसीजर होती है जिसमें हम क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब क्रोमोसोम्स को क्यों ऑब्जर्व करना है? टू डिटेक्ट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज अगर है वो डिटेक्ट की जाने के लिए कैरियोटाइपिंग यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमें माइटोसिस में ऐसी स्टेज चाहिए जहाँ पर हमें क्रोमोसोम्स अच्छे से दिखाई दे। तो देखो, इंटरफेज में इस तरह से डिस्पर्स्ड रहते हैं क्रोमोसोम, हम इन्हें डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। प्रोफेज आते आते ये कंडेंस होने लगते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर पर अलाइन होते हैं और सेपरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। और एनाफेज में अभी क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं। तो ये चार स्टेजेस जो हमें ऑप्शंस में दी गई है, तो इसमें से अगर देखो तो मेटाफेज जो है यहाँ पर हम क्रोमोसोम को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जेनेटिक डिसीज के लिए या कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के लिए क्रोमोसोम्स को हमें ऑब्जर्व करना है, जिसे हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। तो ये किया जा सकता है मेटाफेज में। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज इज द माइटोटिक स्टेज विच कैन बी यूज फॉर कैरियोटाइपिंग। ठीक है, विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टूडेज वीडियो। मेरा मेल आई डी मैंने शेयर किया है, अभी सिर्फ एक महीना, उससे भी कम दिन बचे हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर करो आपकी एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।